रायगढ़ जिले में टीकाकरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। टीकाकरण के कार्य में रायगढ़ जिला पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में शीर्ष पर है। वर्तमान में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण रायगढ़ जिले में सभी ब्लॉक में जारी है। टीकाकरण के लिए आवश्यक प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन की होती है, जिसे पोर्टल के माध्यम से किया जाता है, परंतु रायगढ़ जिले के कई गांव और शहरी क्षेत्र में भी लोगों के पास स्मार्टफोन की उपलब्धता नहीं होने की वजह से उन्हें रजिस्ट्रेशन में हो रही दिक्कतों को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब टीकाकरण के लिए पूर्व में रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। कोई भी व्यक्ति अपना आधार कार्ड लेकर टीकाकरण केंद्र जाकर अपना पंजीयन तत्काल करवा सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी व्यवस्थाएं कर ली हैं। अब किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने मोबाइल फोन से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल फोन से नहीं कर सकते या जिनके पास ये सुविधा नहीं है, उनके लिए ये काफी सुविधाजनक साबित हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पूरी जानकारी नहीं होती कि किस तरह से पोर्टल में उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना है। इस वजह से उन्हें रजिस्ट्रेशन में काफी दिक्कतें होती थी, परंतु अब इस तरह की कोई भी दिक्कत किसी भी व्यक्ति को नहीं होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अपने पहचान पत्र के साथ व्यक्ति टीकाकरण केंद्र में जाकर तत्काल रजिस्ट्रेशन करवा अपना कोरोना वैक्सीन का टीका लगवा सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी वैक्सीनेशन सेंटर में उपलब्ध हैं। हाँ, अभी जो है जितने भी वैक्सीनेशन हैं हमारे कोविन पोर्टल में हो रहे हैं, और इसमें चारों कैटेगरी के लोग जैसे 18+, 45+, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज, इसमें कोई अंतर नहीं है। इवन कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो भी लगवाना है, अगर रजिस्ट्रेशन करवाए तो ठीक है, अदरवाइज सीधा सेंटर में जाए, वहाँ पे बताएंगे ये लोग कि हमको लगवाना है, उनकी क्या चॉइस है, उसके आधार पे हम इनको तत्काल वहाँ पर वैक्सीन लगवाएंगे। काफी इजी हो गया है, और हम इतने जिले शहर के अंदर करीब 20 वैक्सीनेशन सेंटर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लगभग हर आधी एक किलोमीटर में एक सेंटर मिल जा रहा है लोगों को, और प्राइवेट हॉस्पिटल मिला लेंगे तो लगभग 30 हो जाएंगे, यानी हर वार्ड में समझ लीजिए एक वैक्सीनेशन सेंटर हम उपलब्ध करा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आधार कार्ड लेकर चल जाएगा? हाँ, कोई भी पहचान पत्र लेके जाएंगे, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, या ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी पहचान पत्र लाएंगे, उसमें हम उनको वैक्सीन लगा। हाँ, उनका तुरंत रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, एंट्री की जाएगी और उनको वैक्सीन लगवाया जाएगा, उनका मोबाइल में तुरंत मैसेज भी मिल जाएगा उनको। समय न्यूज़ के लिए रायगढ़ से संजय सारथी की रिपोर्ट।